जिले में जिला पंचायत के 32 वार्डो में से सदस्य पदों का चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को आज रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य आर गंगारेकर, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सहित SDM एवं तहसीलदारगण उपस्थित रहे। बता दें कि चुनाव पहले ही 3 चरणों में संपन्न कराया जा चुका है। मतदान के बाद मतदान केंद्रों में ही इनकी मतगणना संपन्न हो चुकी है। जिला पंचायत सदस्य पद के सरलीकरण का कार्य विकास खंड स्तर पर किया गया था, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिला स्तर पर सरलीकरण आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में पूरा किया गया और सभी जीते हुए प्रत्याशियों को कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रमाण पत्र वितरित किया। जीते हुए प्रत्याशियों ने क्षेत्र के विकास सहित पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की बात कही है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनाव को लेकर कलेक्टर ने सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये आज जिला पंचायत के सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किया है, तो कितने थे और कितने? कुल 32 जिला पंचायत के सदस्य हैं। आपको जैसा पता है, इसके काउंटिंग और सारणीकरण का काम संपन्न हुआ है और सर्टिफिकेट का यहाँ वितरण किया गया है। इस तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, उसकी सारी प्रक्रिया संपन्न हुई है। कल जनपद स्तर पर पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था और अभी यहाँ जिला पंचायत के सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। आप सभी को, मीडिया के सभी साथियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने चुनाव में भाग लिया, उन सभी उम्मीदवारों को और जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी अधिकारी, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया में सहयोग किया है, उन सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत ही अच्छा और मेहनत के साथ चुनाव सम्पन्न कराने की। 17 तारीख को अर्बन के पहले चरण के जो मतदान हुए थे उसकी काउंटिंग होगी और 20 तारीख को जो दूसरे चरण का है उसकी काउंटिंग होगी। थैंक यू।